दो महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद अब दुनिया के तमाम देशों में इसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये ढाई महीने बड़ी जल्दी बीत गए? हमने सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन का मुश्किल दौर इतनी जल्दी गुजर जाएगा। हम घर में पाबंदियों में रहने की आदत डाल ही रहे थे कि इससे रियायतें भी मिलने लगी हैं। आमतौर पर होता यही है कि बुरा वक्त बिताना मुश्किल होता है। आप ट्रेन या फ्लाइट का इंतजार करते हो तो समय बिताते नहीं बीतता, मगर किसी प्रिय के साथ हो या किसी पसंदीदा जगह घूमने जाते हो तो समय मानो फुर से उड़ जाता है। ऐसे में लॉकडाउन का वक्त, जिसे ज्यादातर लोगों ने बुरा समय माना, वो इतनी जल्दी कैसे गुजर गया? असल में हम समय के गुजरने का आकलन दो तरीके से करते हैं। पहले तो ये कि अभी समय कितनी जल्दी बीत रहा है और पिछला हफ्ता या पिछला दशक कैसा बीता था। लॉकडाउन के दौरान हम सब अपने परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों से दूर रहने को मजबूर थे। खाना पकाना सीख कर, बागबानी कर या फिर ऐसे ही अन्य काम करके अपना वक्त बिता रहे थे। लेकिन जब आप अपने हर दिन को घर में ही एक जैसे बिता रहे हों तो दिन एक जैसे मालूम होते रहते हैं। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीने में बीत जाते हैं। पिछले दिन या पिछले हफ्ते का तजुर्बा अगले हफ्ते जैसा ही होता है, तो दिनों के बीच फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। अगर हम रोज एक जैसा ही तजुर्बा करते हैं तो हमारे जहन में नई यादों का पिटारा नहीं बनता। असल में हम यादों के सहारे ही ये तय करते हैं कि कितना वक्त गुजर गया है। अगर आप किसी नई जगह पर घूमने जाते हैं तो समय तेजी से बीत जाता है और आप नई यादों के साथ लौटते हैं। नई यादों के साथ ये गुजरा हुआ वक्त लंबा लगता है, मगर लॉकडाउन के दौरान इसका उल्टा हुआ। एक जैसे दिन, एक जैसी रातें और हफ्तों ने हमारे लिए नई यादों की पोटली नहीं तैयार की। अब जब पिछले और अगले दिन में अंतर ही नहीं पता चल रहा है, तो आखिर हम कैसे महसूस करें कि कितना दिन बीता या कितने हफ्ते गुजर गए? लॉकडाउन के दौरान भले ही आपके दिन व्यस्तता से भरे हों, घर के तमाम काम करने पड़ रहे हों, मगर नई यादें सहेजने के लिहाज से इसमें कुछ भी नया नहीं था। सामान्य दिनों में हम भविष्य के ख्वाब सजाते हैं, मगर लॉकडाउन के दौरान हम आज में जीने को मजबूर थे। भविष्य में झांकने के लिए हमारे पास आज जितना कोई खास तजुर्बा ही नहीं था और हमें ये भी पता नहीं था कि आगे हालात कैसे होंगे। नतीजा ये कि हम ना तो नई यादें इकट्ठा कर पाए और ना ही आगे की सोच पाए। आने वाले वक्त में जब हम इस दौर के बारे में सोचेंगे तो शायद इतना ही याद रहेगा कि फला रोज हमारे देश में वायरस आया था और उसके कितने दिनों बाद लॉकडाउन लगा था। मनोवैज्ञानिक इसे फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं। ये तब होता है जब हम किसी बड़ी घटना के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो ऐसी कोई बड़ी घटना हुई ही नहीं जो बाकी दिनों से अलग हो। नतीजा ये कि हम पिछले और अगले हफ्ते में फर्क नहीं कर पाए। अक्सर हम दिनों में भेद तब कर पाते हैं जब एक साथ हमारे जीवन में कई घटनाएं घट रही होती हैं, जैसे कि किसी ने नई नौकरी शुरू की या किसी के जन्मदिन की पार्टी हुई, मगर लॉकडाउन के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब आप बमुश्किल ही घर से बाहर निकल रहे हों तो सारे दिन एक जैसे ही लगते हैं। यही कारण है कि जब लॉकडाउन के दिन शुरू हुए तो कुछ दिनों के बाद हमारे लिए इसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो गया। दिन लगभग उतने ही बीते हैं जितने दिन से लॉकडाउन लगा है। ये तो हमारी यादों का पिटारा है जो सीमित हो गया है, और हमें लगता है कि लॉकडाउन का दौर जल्द बीत गया।